हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने बेयस थ्योरम करी थी, उसका स्टेप टू स्टेप हमने मतलब प्रूफ देखा था, राइट। मतलब एक छोटा छोटा हमने स्टेप देखा था कि हम कैसे प्रूफ को मतलब पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, कि वहां पे हमने एडिशनल थ्योरम अप्लाई करी है या फिर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई करी है, राइट। तो हमने एक एक स्टेप वहां पे देखा था, तो वही अब स्टेप के थ्रू हम ये एग्जाम्पल करने वाले हैं कि जैसे जैसे मतलब बेयस थ्योरम हमारी लग रही है, ठीक है, कि कैसे मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली बेयस थ्योरम को एग्जाम्पल में, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हम इस एग्जाम्पल में देखने वाले, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम चलेंगे, ठीक है। तो और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो सबके लिए जरूरी होगी ये, तो लास्ट तक देखना वीडियो को। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, ओके। तो टॉपिक को आपको दिख ही गया है यहाँ पे कि एग्जाम्पल हम देखने वाले, और ये एग्जाम्पल मैंने बेसिकली जो हम बुक कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, उसका फर्स्ट ही एग्जाम्पल है ये। हो सकता है जो आपका नया एडिशन आया वहां पे थोड़ा डिफरेंट हो, बट आप मतलब एग्जाम्पल तो मैच कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं बेसिकली, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप रीड भी वहां पे कर रहे हो तो भी कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखते हैं अभी, ओके। तो ये हमारी है स्टेटमेंट ऑफ द एग्जाम्पल। तो क्या कह रहा है कि सपोज दैट अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन 3 फैक्ट्रीज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि हमने माना है कि एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, वो प्रोड्यूस किया जा रहा है किसके द्वारा, 3 फैक्ट्रीज के द्वारा। 3 फैक्ट्री मतलब कि 3 फैक्ट्री हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तीनों फैक्ट्री मिलके एक प्रोडक्ट को बना रही है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कि इट इज नोन दैट फैक्ट्री एक्स प्रोड्यूसेस थ्राइस एज मैनी आइटम्स एज फैक्ट्री वाई। इस लाइन में क्या बोला है इसने कि जो फैक्ट्री एक्स है वो क्या कितना अमाउंट मतलब कितने आइटम प्रोड्यूस कर रही है वो, कि जितने फैक्ट्री वाई कर रही है उसका थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या है कि 3 गुना मतलब वो आइटम प्रोड्यूस कर रही है वाई के कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब कि वाई के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, ओके। और इसमें ये क्या बोला सेकंड में कि एंड दैट फैक्ट्रीज वाई एंड जेड प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आइटम्स। आप देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे पास वाई और जेड जो फैक्ट्री है वो सेम नंबर मतलब नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जो एक्स है वो हमारा 3 टाइम्स ऑफ वाई कह लो या फिर जेड कह लो, क्योंकि वाई और जेड हमारे पास यहाँ पे सेम आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो सिंपली इतनी इन्फॉर्मेशन अगर हम मान के चलते हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, अगर हम मानते कि जो वाई है वो प्रोड्यूस कर रही है सपोज एक्स, ठीक है, तो अब हमारी जो एक्स कंपनी होगी मतलब जो एक्स फैक्ट्री है वो कितना प्रोड्यूस कर रही होगी, थ्राइस ऑफ वाई है। तो थ्राइस ऑफ वाई का मतलब क्या है कि 3 मतलब मल्टीप्लाई जितना वाई कर रही है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x, राइट। अब इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि जो वाई और जो जेड है वो हमारा सेम नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना वाई कर रही है उतना ही हमारा कितना कर क्या कौन सी कंपनी कर रही है, जेड। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आइटम्स वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय जेड फैक्ट्री, ओके। तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप में दिख भी जाएगा कि हम कैसे इसको लिख पा रहे हैं, ओके। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मतलब नेक्स्ट इसमें जो लाइन है उसमें क्या बोला है कि एज्यूम दैट इट इज नोन दैट एज दैट 3% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द फैक्ट्रीज एक्स एंड जेड आर डिफेक्टिव। तो अब यहाँ पे क्या बोला, जो एक्स और जेड है, ठीक है, वो जितना भी अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे उसका 3% वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहे, डिफेक्टिव मतलब कि कुछ उनमें खराबी है इस टाइप से, क्यों केवल 3% जो वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है एक्स एंड जेड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एक्स और जेड है ये 3% डिफेक्टिव है, ठीक है, और जो वाई है वो कितना है, 5% ऑफ दोज मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री वाई। तो जो वाई के द्वारा है वो कितना है, 5%, ओके। तो ऑल द आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन इन द 3 फैक्ट्रीज आर स्टॉक्ड, मतलब कि जितने भी आइटम्स उन्होंने प्रोड्यूस करे वो हमने स्टॉक कर लिए। और फिर क्या करा है, एंड एन आइटम इज ऑफ प्रोडक्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि अब हमने क्या करा है कि एक आइटम को हमने एज अ रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो रैंडमली सेलेक्ट करने का मतलब है कि वहां पे कुछ भी आइटम आ सकता है, डिफेक्टिव भी आ सकता है या फिर जो बिल्कुल सही बना वो भी आ सकता है। बट अब देखो क्वेश्चन की 2 पार्ट्स हमें गिवन है, तो पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें चलना है, अपनी मर्जी से चलना नहीं है, राइट। तो एक बार हम पार्ट्स और रीड कर लेते हैं, फिर हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस आइटम इज डिफेक्टिव, कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमने आइटम निकाला है रैंडमली सपोज वो डिफेक्टिव आइटम निकल के आ जाता है, ठीक है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करना है। सेकेंड इसमें क्या बोला है कि इफ एन आइटम सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन देती है कि सपोज जो हमने आइटम सेलेक्ट करा है वो हमारा डिफेक्टिव आ जाता है, ठीक है, ये हमने बोल दिया कि वो डिफेक्टिव आ जाता है। तो उसके बाद क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी हमें फिर फाइंड करनी है किसकी, फैक्ट्री एक्स की, वाई की और जेड की, उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो अब मुझे मतलब आई होप आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सिंपली इसमें कुछ नहीं बोला, जस्ट हमें क्या दिया, तीन फैक्ट्री दिए और जो एक्स है वो थ्राइस है किसके, जो वाई और जेड जितना भी प्रोड्यूस कर रही है उसके मतलब 3 गुना है वो, ठीक है। और यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम की वो बताई है, मतलब कितना परसेंट वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है, एक्स वाई और जेड। एक्स जेड कर रही है हमारा 3% और वाई कर रही है हमारा 5% डिफेक्टिव आइटम। अब क्या करा है कि सबको इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद हमने एक आइटम निकाला है, ठीक है। वो हम फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि वो सपोज डिफेक्टिव निकल आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो वो हमें बेसिकली फाइंड करना है। बट इससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं गाइस कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कि मतलब जैसे आपने देख ही लिया होगा अगर वीडियो देखी होगी तो, बट स्टिल एक बार हम स्टेप देख लेते हैं कि कैसे हम मूव कर रहे हैं मतलब बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो कि मैंने स्टेप्स लिए है बेस थ्योरम के, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेरे को क्या होता है कि प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, मतलब इनिशियली जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी जिसको यूज करके आपको एप्लीकेशन लगानी है किसकी, बेस थ्योरम की। जैसे लास्ट जो हमने स्टेटमेंट देखी थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, सिंपल प्रोबेबिलिटी मेरे को पहले निकालनी थी, ठीक है, कि कैसे हम निकाल रहे हैं। सेकेंड हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डिफेक्टिव आइटम निकल के आता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इस सेकंड पार्ट में हमें बेस थ्योरम अप्लाई करनी है। ओके, यही था इसके स्टेप्स में कि हम कैसे कैसे जो है स्टेप्स इसके देख रहे हैं। ओके, तो अब हम जो अप्लाई कर लेते हैं थ्योरम, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है मतलब प्रोबेबिलिटी, उसको हम बोल देते हैं बेसिकली पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका स्टेप 1, मतलब कि कैसे हम प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप 1। तो गाइज यहाँ पे तो सिंपली मैंने जस्ट यही लिखा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। कि जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि हम कैसे लिख रहे हैं, तो वाई को मैंने मान लिया कि एक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो एक्स का हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। और जेड का भी हो जाएगा हमारा एक्स, क्योंकि वाई और जो जेड है, ठीक है, वो दोनों इक्वल अमाउंट मतलब प्रोड्यूस कर रही है, मतलब इक्वल बेसिकली आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो इसमें जस्ट यही है, ठीक है गाइस। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बट एक चीज और हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं कि जैसे एक्स वाई जेड तो ठीक है, बट अगर हमें बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब नोटेशन के अकॉर्डिंग चलना है, तो वहां पे हम एक चीज और कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा एक्स है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं इवेंट 1, ठीक है। और जो वाई है उसको हम मान लेते हैं E2, मतलब कि इवेंट 2 बेसिकली, ठीक है। मतलब जो सेकेंड फैक्ट्री को जो डिनोट कर रहा है वो E2 हो गया, और जो थर्ड फैक्ट्री हमारी जेड उसको सपोज हम मान लेते हैं E3, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें सिंपल यहाँ पे बेसिकली तीन चीजें हमें पता चल गई है कि कितना आइटम कितना प्रोड्यूस कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक बार सिंपली जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे हमारा होता है ना प्रायर प्रोबेबिलिटी, वो हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है गाइस, जैसे हमारे पास E1 था एंड E2 था एंड E3 था, ठीक है। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि सिंपल मेरे को P(E1) फाइंड करना है, P(E2) फाइंड करना है एंड P(E3) फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले अब हमारे पास E1 के पास कितने नंबर से, ये हमने x माना था, x के पास कितने नंबर से 3x, ठीक है। और y हमने माना था E2, तो इसके पास थे x, और E3 हमने माना था z, तो इसके पास थे x आइटम्स, ठीक है। तो टोटल जो आइटम्स होंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3x प्लस x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा हमारे पास 5x, ठीक है। तो अब हमें P(E1) निकालना है। तो P(E1) हमारे पास बेसिकली कैसे निकलेगा, ये कि पहले जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं हमारे पास, पहले हम वो लिखते हैं फ्रैक्शन में, डिवाइडेड बाय हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो जो हमारे पास ऊपर आएगा मतलब फेवरेबल यहाँ पे कितने, 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय टोटल कितने हमारे पास 5x, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास सिंपली 3/5, और जो P(E2) है वो कितना आ जाएगा, x/5x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5x, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली 1/5, और जो P(E3) आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसके पास भी x है तो ये आ जाएगा सिंपली x/5x एंड दैट इज 1/5। तो ये हमारे पास तीन प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब तीनों इवेंट्स की, कि हमें E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी एंड E3 की प्रोबेबिलिटी। तो ये बेसिकली मेरे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या गिवन, नई इंफॉर्मेशन गिवन है। नई इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है यहाँ पे, कि एज्यूम दैट इट इज नोन एज दैट 3% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द फैक्ट्रीज आर डिफेक्टिव एंड 5% डिफेक्टिव है वाई की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे डिनोट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, तो वो हम एक बार देख लेते हैं।
ओके तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास क्या गिवन है, मतलब एक्स वाई जेड इनके रिस्पेक्ट में हमें एक प्रोबेबिलिटी टाइप कुछ गिवन है, ठीक है। तो उसको हम सिंपली लिख देते हैं इस टाइप से कि पी ऑफ, जैसे जो हमारे पास डिफेक्टिव आइटम है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं सपोज, क्योंकि उसमें हम जो हमारे बेस थ्योरम थी उसमें वहां पे हम ए ही मान रहे थे जो हमारे पास गिवन चीजें होंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे भी ए ही सपोज मतलब मान के चलते हैं। वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ए ही मान लेते हैं इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसके बेसिस पे हमारे पास एक्स वाई जेड आर डिफेक्टिव, तो उसके बेसिस पे मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए स्लैश ई वन गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है ये, एक्स और जेड, ठीक है। पहले एक बार लिख लेते हैं तीनों चीजें, ए बाई ई थ्री ई टू एंड पी ऑफ ए स्लैश ई थ्री, ठीक है। तो पी ऑफ ए स्लैश ई टू किसको डिनोट कर रहा है, वाई को, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में क्या गिवन है, कितने डिफेक्टिव आइटम्स है। एंड ई थ्री किसको डिनोट कर रहा है, जेड के रिस्पेक्ट में। तो पी ऑफ ए स्लैश ई वन कितना गिवन है यहाँ पे, एक्स और जेड मतलब कि ई वन और ई थ्री के रिस्पेक्ट में 3%, और 3% का मतलब है कि 3/100, और 3/100 को हम लिख सकते हैं 0.03, राइट। तो इसका आ गया मेरे पास 0.03। एंड सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे जेड का भी इतना ही गिवन है, तो जेड के पास भी इतना ही आ जाएगा 0.03। और जो वाई है, वाई के पास कितना है, 5%, 5% का मतलब कि 5/100, दैट इज 0.05, ठीक है। तो पी ऑफ ए स्लैश ई टू के पास कितना गिवन है, 0.05। ओके तो इतना हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीजें गिवन है, क्या नई इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब इस जो नई इन्फॉर्मेशन को उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। बट पहले जो हमें क्वेश्चन में पूछा, वो क्या पूछा गया था फर्स्ट स्टेप में, कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो मेरे पास डिफेक्टिव आइटम आता है उसकी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे जो डिफेक्टिव आइटम मैंने माना है, क्या माना है, ए, ठीक है, मतलब एक ए से हमने डिनोट कर दिया उसको, ठीक है। तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का क्या मतलब है कि पी ऑफ ए मेरे को बेसिकली फाइंड करना है। ओके तो पी ऑफ ए, तो जैसे हमें पता है कि जो ए इवेंट है वो मेरा क्या है, बेसिकली सबसेट है किसका, ई का, ठीक है, जो हमने बेस थ्योरम में भी देखा था और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। बिकॉज ई तो हमारा क्या है, टोटल हमारे पास वो हो गई कि आइटम्स को डिनोट कर रहा है ये, तो जो ए है वो डिफेक्टिव, तो वो भी तो हमारा बेसिकली इनका मतलब सबसेट है ई का, ठीक है। तो अब वही हम देखने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट बेस थ्योरम में देखा था वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके तो गाइस ये मैं आपको बता रही थी अभी कि जो हमारा ए है वो बेसिकली सबसेट है ई वन का, मतलब ई आई का, ठीक है। आई यहाँ पे मतलब कि ई वन ई टू ई थ्री हो गया, तीन आइटम्स हमारे पास, तीन वेक्टर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये अगर इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन ई भी अगर हम लेते हैं, ठीक है, वो भी हमारा सबसेट है ई आई का, ठीक है। बिकॉज इनका इंटरसेक्शन तो आएगा हमारे पास ऑलवेज ए ही, तो इसलिए जस्ट हम डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास म्यूचुअली डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बोल दिया डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट होता है तो आपको पता है कि हम एडिशनल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। एडिशनल थ्योरम में मेरे पास सिंपली क्या होता है कि जो यूनियन होता है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें सिग्मा में, ठीक है। तो एडिशनल थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास सिंपली हो जाएगा कि यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n और ए इंटरसेक्शन ई आई हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये चीज निकल के आती है। ओके एंड ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट तो ये चीज है नहीं, ठीक है। तो इसका भी मेरे पास कोई फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला मैं अप्लाई कैसे कर सकती हूँ, जब मैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाती हूँ, ठीक है। तो ये आपको हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको क्वेश्चन ये पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ बेस थ्योरम पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक बार लिखा है, तो आप डायरेक्ट बस क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो कि पी ऑफ ए मेरा सिंपली ये होता है, और ये मेरा जो है बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। और यहाँ पे सिंपली इसको, जैसे मेरे पास ई वन ई टू एंड ई थ्री, मतलब तीन फैक्टरी थी मेरे पास, ठीक है, मतलब जैसे एक्स वाई और जेड, उनके बेसिस पे मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है, तो आई इज इक्वल टू 1 to कितना जा रहा है, ये 3, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, ठीक है। तो ये मेरा सिंपली कैसे हो जाएगा कि सिग्मा, सिग्मा तो अब लिखने की जरूरत नहीं है अगर मैं अलग अलग कर रही हूँ, तो ये सिंपली हो जाएगा पी ऑफ ई वन डॉट पी ऑफ ए स्लैश ई वन, ठीक है, प्लस पी ऑफ ई टू डॉट पी ऑफ ए स्लैश ई टू एंड प्लस ई थ्री डॉट पी ऑफ ए स्लैश ई थ्री, ठीक है। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो वैल्यू पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ई वन की मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी यहाँ पे लास्ट स्टेप में, 3/5 आई थी,
ठीक है, 3/5 और ए बाई थ्री की वैल्यू, ई1 की वैल्यू थी 0.03, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सिंपली क्या करना है, पी ऑफ ई1 की वैल्यू तो मेरे पास 3/5 मल्टीप्लाई पी ऑफ ए बाई ई1, इसकी वैल्यू थी मेरे पास 0.03, ये मेरा मल्टीप्लाई में प्लस में, इनकी वैल्यू थी पी ऑफ ई2 की 1/5 और इसकी वैल्यू थी ई ऑफ पी ऑफ ए स्लैश ई2 की वैल्यू थी मेरे पास कितनी 0.05, मतलब कि वाई की डिफेक्टिव जो प्रोबेबिलिटी गिवन थी वो वाली चीज, प्लस में पी ऑफ ई3 मेरे पास 1/5 था और इसकी ए बाई ए स्लैश ई3 की वैल्यू थी मेरे पास 0.03। ठीक है, तो ये आप मैच भी मतलब कर सकते हो लास्ट स्टेप से। ठीक है, तो अब जस्ट मेरे को क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है और वो मेरा हो जाएगा सिंपली आंसर, मतलब कि जो मेरी पी ऑफ ए आएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, एंड उसका सॉल्यूशन मतलब ये पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0.034, ये किसकी वैल्यू आई है, पी ऑफ ए की। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आई होप आपको ये वाला स्टेप आ गया होगा समझ में, क्योंकि इसमें इतना कुछ बड़ा इशू नहीं था, बस आपको क्या करना है कि मेरे को फॉर्मूला समझना है उसको कि कैसे हम चीजें कर रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो वहां पे क्या गिवन था मेरे पास, अगर मैं इस स्लाइड में जाऊं तो यहाँ पे मेरे को पूछा गया था कि इफ एन आइटम सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज, यहाँ पे आएगा गाइस इट वॉज, ठीक है, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई फैक्टरी एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो अब मेरे को क्या करना है, एक्स वाई और जेड की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर जो आइटम है वो मेरे पास डिफेक्टिव आता है तो डिफेक्टिव आता है इसका मतलब है कि डिफेक्टिव वाली चीज मेरे पास गिवन है, और डिफेक्टिव अगर जो आइटम था मैंने वो क्या माना था, ए। ठीक है, जो चीज गिवन होती है उसको मैं कैसे डिनोट करती हूँ, मतलब कंडीशनल के वे में, कि पी ऑफ बेसिकली मेरे को क्या फाइंड करना है, ई वन बाई ए। ठीक है, क्योंकि अब क्या गिवन है, डिफेक्टिव वाली चीज गिवन है और डिफेक्टिव को मैंने माना था ए। ओके, तो सिंपली मतलब सिमिलरली ई टू बाय ए फाइंड करना है एंड पी ऑफ ई3 बाय ए फाइंड करना है। ओके, तो ये भी हमारा सिंपली मतलब वही बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही होगा, तो उससे पहले सोल्व करने से पहले हम एक बार बेस थ्योरम का फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो या गाइस लेट्स डू दिस। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास ये फॉर्मूला हो गया पी ऑफ ई आई स्लैश ए, ये मेरा जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब कि जनरल हम बेस थ्योरम को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, पी ऑफ ई आई डॉट पी ऑफ ए स्लैश ई आई। ठीक है, कि जो हम भी मतलब जो हम अलग इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे वो वाली। ओके, और नीचे हमारा क्या हो गया, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या है कि हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आई थी वो, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी आई थी, 0.034, राइट। तो अब हम एक एक करके मतलब एक एक करके कि मतलब कि क्या है कि ई वन बाई ई वन स्लैश ए एंड पी ओफ ई टू स्लैश ए एंड पी ओफ ई थ्री स्लैश ए, ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे एक एक की वैल्यू, जैसे यहाँ पे ई वन लिया है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पी ओफ ई वन डॉट पी ओफ ए स्लैश ई वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम इसकी जगह क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है तो सिंपली हम पी ऑफ ए भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली ई टू के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, पी ऑफ ई टू डॉट पी ऑफ ए स्लैश ई टू डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, एंड सिमिलरली इस वाले के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, पी ऑफ ई थ्री डॉट पी ऑफ ई थ्री डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंपली वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट के अलावा मतलब कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो यस गाइज, तो एक बार मतलब वैल्यू पुट करके देख लेते कि क्या क्या हमारे पास आंसर आएंगे। ओके, तो गाइज अगर मैं जाती हूँ पी ऑफ इवन, जो हमने स्टार्टिंग वाली प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो मेरी कितनी आई थी शुरू में, 0.6, 0.6 मतलब कि 3/5 आई, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा, मतलब जीरो, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो। ठीक है, मल्टीप्लाई में पी ऑफ ए स्लैश ई1, ई1 मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में कितने डिफेक्टिव आइटम्स थे मेरे पास, कितने मतलब कितना परसेंटेज गिवन था वो मेरे पास था 0.03। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, वो मेरा कितना है ये वाला 0.034। एंड सिमिलरली पी ऑफ ई टू अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ई टू मेरे पास कितना गिवन था, 1/5 निकला था मेरा। ठीक है, 1/5 मतलब कि 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाई पी ऑफ ए स्लैश ई टू, तो ए स्लैश ई टू मेरे पास कितना था वहां पे, 5 गिवन था, मतलब जो परसेंटेज मेरे पास गिवन था कि फाइव के कितने डिफेक्टिव है। ठीक है, टोटल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.034,
ठीक है। एंड सिमिलरली मेरे पास पी ऑफ ई थ्री प्रोबेबिलिटी मतलब थ्री की, ये भी मेरे पास 0.2 ही था, मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा मेरा 0., ये हमारा 0., मतलब 3% ही डिफेक्टिव थे जेट वाले भी, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा पी ऑफ ए दैट इज 0.034। तो गाइस इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो हमें इंडिविजुअली ही प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो यहाँ पे हमारी ये जो है बेसिकली बेस थ्योरम अप्लाई हुई है, और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी ये मेरी बेसिकली क्या होती है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ओके तो ये था गाइज आज का कॉन्सेप्ट, और ये आप सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन निकाल ही सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज और बतानी है मेरे को, वो क्या है कि अगर हमने ये दो चीजें निकाल ली, मतलब दो प्रोबेबिलिटी निकाल ली और थर्ड निकाल लिया, तो वो सिंपली आप एक डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मतलब ये पूरा ना कैलकुलेट करने की बजाय, मतलब इसको आप स्किप कर सकते हो, इस पूरे पार्ट को जो हमारा थर्ड पार्ट था, ठीक है, कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन मतलब दोबारा ना करनी पड़े। सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी इनका निकला हो हमारे पास, जितनी भी इसकी प्रोबेबिलिटी निकली हो फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की, इनको ऐड करके अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे इनका एडिशन, ठीक है, इन दोनों का एडिशन पी ओ मतलब E1 बाई ए, E1 एंड E2 बाई ए, ठीक है, तो वो हमारा निकल जाएगा बेसिकली E3 वाला। तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ आपको, जस्ट गाइस मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे को पी ओ E3 स्लैश ए निकालना, तो सिंपली मैं कर सकती हूँ 1 माइनस पी ओ E1 स्लैश ए प्लस पी ओ E2 स्लैश ए, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी जितनी भी आई होगी उसको आप अगर माइनस कर दोगे 1 में से, ठीक है, तो वो मेरी बेसिकली निकल आएगी ये पी ओ E3 स्लैश ए। ओके, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है मेरे पास, ठीक है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कि आप सिंपली लिख सकते हो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो मेरे पास क्या होती है हमेशा 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 में से माइनस करा है थर्ड वाले के निकालने के लिए। तो बेसिकली उतनी चीज आएंगी मेरे पास, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना ये कि अगर मेरे को पी ऑफ बी की निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ ए कर देते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, तो इसमें इतना कुछ नहीं था कि आपको क्लियर ना हुआ हो ये वाला कॉन्सेप्ट। तो गाइस ये था हमारा पूरा क्वेश्चन कि कैसे कैसे हम चीजें निकाल रहे हैं, ठीक है। सिंपली हमने पहले सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी निकाली, उसके बाद हमने नई इन्फॉर्मेशन को यूज करके बेस थ्योरम अप्लाई करी। बेस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मेरे क्या निकाली मैंने, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि क्या कितना डिफेक्ट है उसके बेसिकली मतलब उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी है। ओके, तो गाइस ये था आज का मेरा क्वेश्चन, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो यहाँ पे मैंने ये छोड़ा है, ये आप कैलकुलेट करके कमेंट कर देना कितनी कितनी आपकी मतलब बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीजें सोल्व होके निकली है। ओके, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेसिकली, ठीक है। एंड आपको लेक्चर कैसा लगा है वो भी आप बता सकते हो। सो या गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप कमेंट कर ही सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट में, या फिर जैसे मैंने टेलीग्राम अकाउंट बनाया है अभी, ठीक है, तो आप वहां पे भी क्वेश्चन आपने ड्रॉप कर सकते हो कि क्या आपको पढ़ना है, या फिर जैसे आपका कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपको लाइव क्लास के थ्रू समझ रहा हो, ठीक है, मतलब 1-to-1 क्लास लेके, तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आपको अपना सिलेबस कवर करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, कि मतलब मेरे से कनेक्ट करके जो आपको नंबर पता ही है, ठीक है, मतलब मैंने दिया हुआ है ऑब्वियसली वहां पे, तो वहां पे आप नंबर पे कांटेक्ट करके कोचिंग क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि कांटेक्ट कर सकते हो कि 1-to-1 आपको क्लास मतलब ये वाला सिलेबस कवर करना है और मेरे को आप पढ़ा दो, ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे। तो क्योंकि वो भी मतलब मैं अपने कई स्टूडेंट्स को दे चुकी हूँ लाइव लेक्चर्स। ओके, सो या गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मतलब ज्यादा ही हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था और पूरा एक एक स्टेप हमें समझना था, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।